नमस्कार फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इस सिलेक्शन से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि रोहित शर्मा की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे में अब टीम इंडिया को नया T20 कप्तान मिलने वाला है। अब ये कप्तान कौन बनेगा, ये एक बड़ी पहेली बन चुका है। पहले इस रेस में हार्दिक पांड्या अकेले थे, लेकिन अब ऐसा बताया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव T20 कैप्टन बनने वाले हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो सूर्य कुमार यादव T20 कप्तान बनने की रेस में आगे तो हैं, लेकिन उनके नाम की सिफारिश गौतम गंभीर ने नहीं की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम गंभीर ने BCCI और चयन समिति से हुई बातचीत में कभी सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाने की बात की, लेकिन इस खिलाड़ी ने ये जरूर कहा कि वो ऐसे कप्तान के साथ काम करना चाहते हैं जिसके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नहीं सोचनी पड़े। वो ऐसा कप्तान नहीं चाहते जिसकी फिटनेस पर हर सीरीज के बाद सवाल हो। हार्दिक पांड्या को बीते कुछ सालों में काफी इंजरी हुई है और यही वजह है कि एक सीरीज या टूर्नामेंट के बाद वो अक्सर आराम ही करते नजर आते हैं। जाहिर तौर पर हर हेड कोच यही चाहेगा कि कोई ऐसा खिलाड़ी कप्तान बने जो हर सीरीज में टीम के साथ खड़ा हो। अब अगर हेड कोच गौतम गंभीर ऐसे खिलाड़ी को कप्तान चाहते हैं जो हर सीरीज में टीम के साथ हो, तो फिर ऐसे में सूर्य कुमार यादव का नाम कप्तानी की रेस में खुद ब खुद सबसे आगे आ गया। सूर्य कुमार यादव ने 2 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में टीम को 7 में से 5 मैचों में जीत मिली थी। इसके अलावा उन्हें गौतम गंभीर के साथ काम करने का अच्छा अनुभव है। साल 2014 में जब गंभीर की कप्तानी में KKR IPL चैंपियन बनी थी, तो सूर्या उस टीम के उप कप्तान थे। कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या की खराब फिटनेस सूर्य कुमार यादव के लिए वरदान साबित होती नजर आ रही है। तो फिलहाल गंभीर के मन में क्या है ये तो साफ तौर पर नहीं पता चल रहा है, लेकिन कप्तानी की लिस्ट में सूर्य कुमार का नाम ही सबसे ज्यादा चमकदार है। अब देखने वाली बात होगी क्या सूर्य कुमार ही टीम की कमान संभालेंगे या कोई और। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।